नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। मुल्ताई पवित्र नगरी में 9 अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस संबंध में उत्तराधिकारी संगठन के चिंटू खन्ना ने बताया कि बस स्टैंड पर स्थित अक्षय वट से लगकर बने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक पर पहुंचकर नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी परिजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह परिहार के पुत्र मोहन सिंह परिहार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद सभी ने मिलकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रवि यादव ने 9 अगस्त 1942 की क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि माँ ताप्ती की पवित्र नगरी से कई क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिनकी स्मृति में 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर उत्तराधिकारी परिवार द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। आयोजन में उत्तराधिकारी संगठन के रवि खड़के एवं राजधानी परिहार ने भी अपने विचार रखे। पूरे कार्यक्रम में उत्तराधिकारी परिवार के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजन को किया गया। क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज भी झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा ये झंडा वंदन का कार्यक्रम निरंतर होता आया है और आज की स्थिति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की ओर से झंडा वंदन कार्यक्रम निरंतर आज़ादी के बाद के दिनों से किया जा रहा है और मैं आप सबको भारत की आज़ादी और इस क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में धन्यवाद देता हूं और सभी युवाओं से अपेक्षा करता हूं, अपने साथियों से, कि आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष इस 9 अगस्त 1942 के आंदोलन की जो रूपरेखा और करो या मरो का महात्मा गांधी जी का नारा, जिससे भारत की आज़ादी का रास्ता बना और देश आज़ाद हुआ। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट।